सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम पीएचटीसी सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे सामाजिक न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक न्याय क्या है, इसके संदर्भ में कौन जानकारी प्राप्त करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाजवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। तो सामाजिक न्याय की उपेक्षा से समाजवाद की अवधारणा का लक्ष्य को हम प्राप्त है वह नहीं कर सकते। तो लोकतांत्रिक समाज की स्थापना में सामाजिक न्याय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वह एक मूल के पत्थर के रूप में साबित होते हैं। तो सामाजिक न्याय व्यवस्था के द्वारा आपका सामाजिक न्याय व्यवस्था के द्वारा ही सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय से मिलता जुलता विवरण क्या है, न्याय है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से हर व्यक्ति को समान रूप से न्याय प्राप्त हो, जिसके आधार पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, हर व्यक्ति को एक उचित न्याय मिले, ऐसे अवधारणा को सामाजिक न्याय कहते हैं। इसके संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। इसी प्रकार सर्वप्रथम गोपा के कुछ मत के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने बताया है सामाजिक नीति का यह सिद्धांत, उन्होंने कहा कि सामाजिक नीति का यह सिद्धांत है कि आर्थिक विकास का लाभ, आर्थिक विकास का जो लाभ होता है वह समाज के कुछ घृणित होने व्यक्तियों को नहीं मिलना चाहिए। उनका कहना है कि आर्थिक सिद्धांत का जो लाभ होता है वह समाज के आर्थिक विकास का लाभ है वो समाज के घृणित होने व्यक्तियों को नहीं मिलना चाहिए, जबकि इस सिद्धांत का लाभ समाज के निम्न वर्ग के यानी समाज के ऐसे अन्य कई वर्ग जिसको उनका सभी को लगभग समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिले, अर्थात विशेष निम्न वर्ग को भी आर्थिक विकास का लाभ है वो समान अवसर में मिलना चाहिए। इस प्रकार से डॉक्टर की गोपाल ने सामाजिक न्याय की बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि जो आर्थिक विकास है वो सभी वर्गों में होना चाहिए, न कि समाज के गिने चुने लोगों में होना चाहिए। यहाँ तक कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया समाज से निम्न स्तर से लेकर उच्चतर स्तर तक होनी चाहिए। इन्होंने काफ़ी अच्छे बेहतरों सामाजिक अलावा दूसरी परिभाषा है इस प्रकार से मिल के अनुसार मिल ने परिभाषा दी है। वह इस प्रकार से सामाजिक सामाजिक न्याय उन नैतिक नियमों के निकट उनका कहना है कि सामाजिक न्याय उन नैतिक यानी मनुष्य की नैतिक दृष्टि के निकट है जो कि मानव के कल्याण हेतु आवश्यक है। तो क्या है, मनुष्य के कल्याण हेतु बहुत ही आवश्यक है वेद नियम। अतः और इन्हीं नियम नियमों से इनका अधिक महत्व होता है और समाज के अपने अन्य नियम होते हैं उनसे भी इनका काफ़ी अत्यधिक महत्व होता है। तो ये नियम मानव की मनुष्य की क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी आवश्यकता आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, जो प्रशासनिक आधार पर आधारित होते हैं। इसके द्वारा समाज में बिना भेदभाव सहित समाज में ही समाज की स्थापना है वो की जा सकते हैं। इस प्रकार से मिल ने भी सामाजिक न्याय की एक अच्छी परिभाषा बताई है। उन्होंने सामाजिक न्याय के अंतर्गत कुछ नियमों के बारे में बताया है जो अन्य नियमों से अलग होते हैं और उन नियमों का बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है मनुष्य की योग्यता, उसकी क्षमता और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और एक सांस्कृतिक आधार पर आधारित होते हैं, ताकि एक अच्छे मानव समाज की स्थापना की जा सके और मनुष्य का विकास किया जा सके और सामाजिक भेदभाव को दूर करते हुए समाज वही वर्ग है उसका स्थापित किया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार का समाज के अंदर भेदभाव है वो नहीं हो सके। इसी के अलावा तीसरी भी भाषा वॉट लगी है और एक अच्छे राष्ट्र के उन्होंने भी सामाजिक न्याय के संबंध में एक बड़ी भाषा दी है। उनका कहना है सामाजिक न्याय नैतिकता का वह अंश है। उनके अनुसार सामाजिक न्याय क्या है, नैतिकता का एक ऐसा अंश है जो व्यक्तिगत व्यवहार से नहीं होता है, जो व्यक्तिगत व्यक्ति के स्वयं के व्यवहार से नहीं होता है बल्कि व्यक्ति के समूह के व्यवहार से संबंधित होता है। ऐसा वह किसी के व्यवहार से संबंधित होता है, स्वयं अकेला व्यक्ति है वह सामाजिक न्याय के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, जबकि व्यक्तियों का समूह होगा वही सामाजिक न्याय को स्थापित कर पाएगा। हम कह सकते हैं कि इसका एक सीधा तात्पर्य है कि इस प्रकार के सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाए जिसके अंतर्गत जाति, वर्ण, धर्म,
धर्म और स्थान या क्षेत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव है वो नहीं किया जा सके, ऐसे ऐसे समाज की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। मतलब इसी को हम सामाजिक न्याय व्यवस्था कहते हैं। तो सामाजिक न्याय व्यवस्था का वास्तविक साधन करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। वर्तमान के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय व्यवस्था को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसके अंतर्गत संविधान के 14, 15, 16, 18 कानून को स्थापित समाप्त करते हुए सामाजिक समाज के कानून के अंतर्गत समानता को समानता की विशेष व्यवस्था करते हुए नागरिकों के विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं जो समानता पर आधारित है। अगर नागरिकों को सभी नागरिकों के समान अधिकार है, उन सभी समान अधिकारों का उन्हें पालन करना होगा और अधिकारों को अपने के प्रति जागरूक करना होगा। इस प्रकार से सामाजिक न्याय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर व्यक्ति है अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकता है समाज के अंदर और सर्वोच्च वो बन सकता है। इसके अंतर्गत हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ पूजा पक्ष उन्हें अच्छा न्याय मिले और अच्छा सम्मान मिले, चाहे वह निम्न स्तर का व्यक्ति हो चाहे वह उच्च स्तर का व्यक्ति हो। उसके लिए न्याय व्यवस्था है वो कैसे होना चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए। इस प्रकार से सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का व्यवहार वो किया जाए तथा